प्रिया के साथ तूने वही किया जो उसके बाप ने तुझे करने के लिए कहा था ना, तो बस ये सब भूल जा। बाय। इतने दिल से अपनी कहानी सुना रहा हूं इसे, फोन काट दिया। क्या अजीब लड़की है यार। तेरी जिंदगी इसी तरह प्यार में रोते हुए कटेगी। वो सुबह 5:30 बजे तेरी कहानी पूछ रही है और तू फ्लैशबैक में जाकर पूरी कहानी बता रहा है। क्या दिल नहीं है क्या इसके पास? ढीले, लड़कियों का दिल मर्दों के दिल के मुकाबले 15% छोटा होता है। लगता है दिमाग का साइज भी छोटा ही होगा। ऊपर वाले ने लड़कियों का दिमाग छोटा दिया मगर ईगो इतनी बड़ी दे दी। सुन रे, जैसे तेरे पास प्रिया थी वैसे अगर उसके पास कोई प्रियतम होगा तो? जैसे तेरी जिंदगी के बारे में उसे सब कुछ पता है, उसके बारे में हमें पता करना पड़ेगा ना। कैसे करेंगे? मेरा एक दोस्त सस्ता जासूस है, हमें उससे पूछना पड़ेगा। वो हमें बताएगा कि ये कौन है, कहाँ जाती है, किसको प्यार करती है, उसकी सारी डिटेल पता करके हमें दे देगा। छे छे, ये घटिया हरकतें नहीं करेंगे। काला गुलाब साथ में लाल पत्ती। आ जाओ। आऊं क्या? हाय भाई। बैठो। मेरे भाई, तू तो जासूस बन गया है ना, लेकिन तेरा चेहरा तो अब भी दूध पीते बच्चे जैसा ही है। तेरा ऑफिस जेम्स बॉन्ड के ऑफिस जैसा लगता है। वाह। अबे पैसा नहीं है इसलिए इस पेड़ की छांव में सीमेंट के गमले को टेबल बनाकर बैठा हूँ। तुझे जेम्स बॉन्ड का ऑफिस लगता है? लेकिन तेरी यह हालत कैसे हो गई? तेरे जैसे कस्टमर आते हैं ना जो खुद कंगाल है। तो तेरे पास क्या ओबामा आएगा? ये ले, पढ़ ले। ये कौन है? बटर स्कॉच मेरी होने वाली बीवी है। अरे झटका लग गया ना। मेरे दोस्त के मंगेतर है, इस लड़की की फुल डिटेल चाहिए हमें। इसके लिए तुम मुझे 1 घंटे के बाद मिलो। 1 घंटे में सारी डिटेल्स मिलेंगी क्या? नहीं, लंच टाइम हो जाएगा तो तुम्हें मुझे खाना खिलाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें खुद फोन करूंगा। जब मिले तब खाना। खाना एक नंबर का भुक्कड़ है ये तो। ये ले 101 शगुन का रख ले, दोनों मिलके भेलपूरी खा लेना। अरे दोनों का 100 ग्राम पेट भर जाए तो मेरा काम तो कर देना। पैसा देने के नाम पर लोग चिढ़ जाते हैं और इसके साथ भी यही हुआ है। आइए ना, बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। जब लड़की देखने के बाद हमारी आपकी बात हो गई तो आपको बताना चाहिए था ना। ऐसा नहीं है, मैंने उसी लिए आपको 5 बार फोन किया था। मेरी बेटी ने हाँ कर दी है, मुझे आगे की बातचीत करनी है। मुझे लगा कि फोन उठाने की बजाय आप खुद आकर बात करना चाहते हैं। अरे हाँ, मोटरसाइकिल पर मुझे रिंग सुनाई नहीं दी। लड़की की हाँ ही काफी नहीं है, मेरा लड़का भी तो राजी हो, वो तो बहुत नाराज है। रुकिए मैं पूछ कर बताता हूँ उससे। बोलो पापा। अरे सुन, मैं तो यहाँ पर झगड़ा करने आया था लेकिन लड़की ने तो हाँ कर दी है। क्या बोल रहे हो? लड़की ने हाँ कर दिया है क्या? मैं ओके नहीं बोलने वाला पापा। उसको बोलो पहले मुझे फोन करेगी, उसके बाद मैं सोच के बताऊंगा आपको। माँ, मैं उससे बात क्यों करूं? बड़े लोग बात करें वही काफी है। ए, उसको तुमसे बात करने में शर्म आती है, इसीलिए उसने कहा है कि आप बड़े लोग ही सब तय कर लीजिए। मायला ने ऐसा कहा क्या? बहुत शर्मीली लगती है पापा। नौटंकी। अच्छा ठीक है, वो जल्दी से एंगेजमेंट वगैरह करा दो आप। ए, बात सुन, कल पितर पक्ष है इसलिए वो लोग अगले महीने सगाई करेंगे। अरे आप भी ना पापा। पापा अच्छा, प्यार के महीने में शादी नहीं तो सगाई तो हो सकती है ना। अब तो नई कहावत है, मत सुना, फोन रख। ये महीना प्यार का महीना है तो बाकी के महीने लोग झगड़ते रहते हैं क्या? तू क्या करेगा बेटा? मैं तो वही करूंगा ना। हाँ। उसको ओके थैंक्स वाला मैसेज भेजूं क्या? उसके बाद वो तुझे एक बम भेजेगी, फिर तू टेंशन में 2 पैग भी चढ़ा लेगा। तू पंगे क्यों लेता है यार? इसके आगे और कुछ बकवास किया ना तो मुंह पे झापड़ मार दूंगा। अच्छा तो मैं खाना बनाने जाऊं क्या? हाँ, वेरी गुड आइडिया। तू तो 2 इडली खाएगा। पराठा बना देना, अभी लेकर आता हूँ। हेलो, अभी कितने लोगों से पूछा चप्पल खाएगा तू? तुझसे नहीं कहा, तू जा। ए, वो लड़की अपने गांव में ही है और तू चेन्नई में खोज रहा है उसे। मैंने तुझे उसके पीछे भेजा है, अब तेरे पीछे किसी और को भेजू क्या? हंसता क्यों है? पान खाने वाला कहाँ थूकेगा मैं जानता हूँ। ए छोड़, बहाने बनाना छोड़ दे, जो कहा है वो कर। आइए समधी जी। आइए समधी जी। आप अच्छी है ना? मैं ठीक हूँ। मैंने इनको मार्केट में देखा तो खाने पर बुला लिया। आप बिना? लेकिन ये आने के लिए राजी नहीं थे। अब हम रिश्तेदार हैं, आप जब तक यहाँ हैं यहीं खाइए। अच्छा ठीक। अरे अब तो शर्माना छोड़ दीजिए,
आजा 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 आजा। मेरी टीम बहुत वीक है यार। अबे फाउल है यार वो। अरे चलो मैसेज करती हूँ। अब कौन है? इसके साथ खेलने से अच्छा है पड़ोसी के साथ जाकर खेलो। किसका फोन? कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ये हर बार एक ही बटन क्यों दबा रहा है? कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। चलो आजा 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 आजा। शूट 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 कर शूट कर। ये हाँ एकदम से नहीं उठाना, आराम से। तीन चार पांच। हेलो। तुरंत फोन उठाने में दिक्कत है क्या? अगर नाराज नहीं थे तो एक बार नो लिखने से काम चल जाता ना। 103 बार नो 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 लिखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा पसंद नहीं आया तो फिर गिना क्यों कि 103 बार नो लिख के भेजा है मैंने तुम्हें? अरे रे गया। देखो मुझे मिलकर तुमसे कुछ बात करनी है, आज मिल सकते हैं? देखो एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। हेलो कल तो मिल सकते हो ना? हाँ मिल सकते हैं। तो कल सुबह 9:30 बजे फोन करके तुम्हें मिलने की जगह बताऊंगी। फिर से तुझे हट कर दिया ना, इस बार तो गले लग जा मेरे। यस 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 की बाढ़ क्यों आ रही है? कल सुबह की फ्लाइट टिकट बुक कर दे मेरी, तिरुची जाना है, पर्सनली मिलने जा रहा हूँ। कार में तिरुवैयारू तक जाएंगे। मतलब अपनी मर्जी से तू अपनी मुसीबत से मिलने जा रहा है? बोलो मायला। कहाँ हो तुम? आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ, बाहर झांक कर देखिए तो। मेरे घर के बाहर खड़े हो, देख तो नहीं रहे। सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ के तिरुवैयारू पहुँच गया हूँ मैं। तिरुवैयारू? वहाँ जाने के लिए किसने कहा? आप यहीं तो रहती है ना? हेलो मैं चेन्नई में हूँ। चेन्नई में है? ओहो मुझसे मिलने चेन्नई पहुँच गए क्या? मैं पिछले एक साल से चेन्नई में ही काम कर रही हूँ, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? बताओ मुझे मिलने आ रहे हो कि नहीं? हाँ आता हूँ ना, मैं फौरन फ्लाइट पकड़ के आता हूँ। ओके बाय। ओफो ये लड़की कितनी बातें करती है। तिरुवे यारू वाली चेन्नई में बैठी, कमाल हो गया, डांस करने का मन कर रहा है, अब मजा आएगा। ए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? वो वॉकिंग करने आया था यहाँ। इतनी दूर तक वॉक करके आया? वो छोड़ो आप यहाँ क्या कर रहे हो? आजकल मैं यहीं पर हूँ, संदीप जी के पास, खाना सोना सब यहीं पर है। ये मेरे ससुर का घर है कि आपके ससुर का घर है? मायला चेन्नई में रहती है ये बताया क्यों नहीं आपने? मुझे भी यहीं आकर पता चला बेटा। आपसे तो बाद में बात करता हूँ, टाइम फॉर फ्लाइट। समझ नहीं आया यहाँ पर क्यों आया, बिना बताए चला भी गया। फ्लाइट में कितने खर्च किए? कुछ नहीं 15,000 खर्च हुए, वो छोड़िए ना, इस एक्सपीरियंस के लिए 15,000 क्या चीज है? तुमने मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा। अब आपसे आप ही के बारे में क्या पूछूंगा मैं, आपसे मिलके आपके बारे में जान जाऊंगा। वासु मुझे उस लड़की के फुल डिटेल्स मिल गए हैं, उसे लॉलीपॉप बहुत पसंद है। जब वो छोटी थी तब उसके पड़ोसी ने लॉलीपॉप के बदले में सोने की बालियां मांगी थी और उस बेवकूफ ने दे दी। ये तो पागल है। जिस तरह से मैंने तुमसे पूछा था उस तरह से पूछ सकते हो ना? दम मारती है क्या? ओए पीना वीना चलता है आपका? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? देखिए आपने मुझसे ये सब पूछा था ना, मैं बुरा माना क्या? मैं पूछ रहा हूँ तो बुरा क्यों मान रही है? कभी प्यार किया है? मेरे मॉम डैड की लव मैरिज है, लेकिन वो हमेशा लड़ते रहते हैं, पता नहीं उन्हें प्यार कैसे हो गया था। मेरी एक फ्रेंड भी प्यार में दीवानी थी, लेकिन उसका तलाक हो गया, उसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ था। उसके बाद मैंने प्यार के बारे में सोचना छोड़ ही दिया, लेकिन बात नहीं बनी। अब मैं तुमसे प्यार करूंगी, लेकिन शादी के बाद।